लोग हम चल रहे थे ऋषिकेश से करीबन 10 किलोमीटर पहले एक जगह देखी थी, अब वहाँ हम पहुँचे हैं। स्कूटी ऊपर पार्क करी है, करीबन 500 मीटर नीचे है और ये कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत ही गजब वाइब है। पहले सोचा क्षितिज भाई और हमने कि रुके या ना रुके, एक्चुअली क्षितिज भाई को जाना है दिल्ली दीदी के घर, तो सोचा कि चलो ऐसे व्यू के लिए रुक जाए, कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता है। फिर कभी मौका मिले ना मिले साथ में, क्या ही पता। देखिए जी, है ना शानदार, ये है जगह आने लायक। वाव जी वाव, मजा है। लगता है यहाँ प्री वेडिंग शूट हो रहा है किसी शादी वादी का, हम भी यहीं कर लेंगे। हिला ना वैसे बड़े देखियो, क्षितिज भाई अपनी ताकत का दिखाना चाह रहे हैं। ये देख रहे हो पूरी हिल रही है भाई, ताकत तो है लौंडों में। ज़्यादा ना हिलाए, पता था, पता चला एक बार क्षितिज ने बताया कि गुजरात का एक पुल था ऐसे ही गिरा था और बहुत लोग मरे थे। मैंने भी बचपन में ऐसा बहुत किया, पर ये छत के ऊपर मिट्टी के साथ किया, यहाँ नहीं किया। वो चल रहा प्री वेडिंग शूट, लड़की जा रही है और ये लड़का दोनों क्रॉस कर गए। सही है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। देखो जी अब बारिश आ गई है, हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि हम दो दिन से लगातार बारिश में भीग रहे हैं, हमारे पास कपड़े भी नहीं है। तुरंत क्षितिज भाई उठे निकले के लिए रेडी और मैं भी उठ रहा हूँ। प्री वेडिंग के दौरान सारे रुके पड़े हैं क्योंकि प्री वेडिंग शूट, हमें भी रुकना ही पड़ा। कितने में सांप देख गया, लो जी प्रैंक कर दिया पंडित अपने साथ। ये तो लकड़ी निकली। कोई ना, ये लोग सांप देखने कितने पागल हो रहे हैं भाई, हमें देखना भाई। क्यों भाई, सांप ने काट लिया था भाई साला, क्षितिज को सांप ने हाथ में आ गई थी। कहाँ काटा था, पैर पे साला, बिल्कुल चिपट के काटा था। क्षितिज के सांप ने काट लिया था और एडमिट हुआ था भाई दो दिन, मौत को बस छू के आया, टक से वापसी कर आया था हम लोग। वो भी टाइम था ना भाई, उससे पैर में घूम गया था तो तेरे को देखा नहीं था क्या भाई। ये भी ध्यान से किया करो, जो लोग घूमने फिरने के शौकीन है ना, ट्रैकिंग ब्रैकिंग पर सांप तो सांप है यार, कहाँ तक पहन लोगे, थोड़ा देख के चलना पड़ेगी। फिर भी अपने हाथ से पहले बता दो, जितनी अच्छी चीज होगी उतनी डिफिकल्टी होगी, बहुत ज्यादा चढ़ाई थी। क्षितिज रुक जा, मैं तो थका नहीं, बट लेजर स्कूल आते हम अब निकलना पड़ रहा है। ओह बारिश हो रही है, आ यार जल्दी। उस कोने से हम यहाँ पहुँच गए,
देखो हमारे को धन्यवाद करें यहाँ घूमने के लिए। अब इसकी लोकेशन ऋषिकेश से 15-20 किलोमीटर आगे है। एक यहाँ शिवांशु फास्ट फूड है, अभी दिखा देता हूँ लोकेशन। जग्गू ढाबा है, यहीं से बगल में रास्ता जा रहा है, विजिट करना जरूर। चलो अपनी गाड़ी। हो सांस भारी हो गई है, अपनी सवारी दिख गई, चलते हैं फिर। बाय। जी फाइनली हम पहुंच गए टाटा बाय।